जैसे हम कल के वीडियो में बताए थे ना लाइव जब आए थे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, तो हम अपना पोजीशन बुक कर लिए हैं। 857 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। अब हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, अभी हम ट्रेडिंग वगैरह करने, ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम कितना 50 क्वांटिटी लिए थे, मतलब एक लॉट लिए थे 45 पे, 62 पे हम निकाल दिए थे, ठीक है। एंड मार्केट अभी 67 के अराउंड में अभी चल रहा है। यहाँ से ये मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम जो ट्रेड लिए थे, ऐसे तो हम ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे हैं। जस्ट मेरे अकाउंट में कितना 2-3 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किए थे कि अगर डूबा तो डूबा, कोई दिक्कत नहीं। बट हम डाउन साइड के लिए कैसे कंफर्म थे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ दिनों से एक रैली में जाता ही जा रहा था, ठीक है। तो मार्केट हर बार रैली दिखाता जाता है। कल के वीडियो में भी, कल जब लाइव रहे थे तब भी हम एक्सप्लेन किए थे कि मार्केट कंटिन्यू रैली में है और एक्सपायरी जैसे चेंज होगा। जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी का जो एक्सपायरी है, तो निफ्टी का कल फाइनल एक्सपायरी था, वो एक्सपायरी चेंज होगा। तो नया जैसे ही एक्सपायरी आएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही चेंज होता है ना, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी सेलर्स थे उतना ट्रेड को ट्रायल करते आए थे। तो वो लोग अगर अपना पोजिशन स्क्वायर अप करते तो मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। अब यहाँ से मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका, अब क्या होगा, ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। ये इसका जो सपोर्ट था, इस जगह पे हम अपना प्रॉफिट को बुकिंग कर ली, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, हम अभी ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं चाहते हैं। तो हम सपोर्ट के पास में अपना पोजीशन को क्या कर दें, स्क्वायर ऑफ कर दें। जैसे ये सपोर्ट टूटेगा फिर मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। मेरा जो मेन फोकस था वो BTST को लेकर ये था कि जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, अगर मार्केट कंटिन्यू रैली में कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा था, उसके नेक्स्ट डे ही एक बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। अगर रैली में है तो गैप डाउन मिलेगा, और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरा तो गैप अप देखने को मिलता है। बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन 100% ये श्योर नहीं है। अगर ट्रेड ऐसे लेते हैं तो रिस्क देख के लेना है, बाकी BTST हमेशा से रिस्की होता है। थैंक यू।